नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा या पढ़ा होगा कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण काम करने वालों के चित्र डाक विभाग डाक टिकटों पर प्रिंट करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि 2011 से भारतीय डाक विभाग ने एक स्कीम जारी की थी जिसमें आप मैं कोई भी डाकखाने में 300 रुपये की फ़ी भरकर अपने चित्र वाले डाक टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है माई स्टैम्प, और इसमें 300 रुपये में आपको एक शीट मिलती है जिसमें 12 स्टैम्प्स होते हैं जिनकी कीमत होती है 5 रुपये प्रति टिकट की। तो 60 रुपये के स्टैम्प्स अपने चित्र के साथ पाने के लिए आपको 300 रुपये डाकखाने में जमा करने पड़ते हैं, और इसका लाभ कॉरपोरेट्स बिजनेस हाउसेस भी बल्क में अपने पर्सनलाइज्ड स्टैम्प्स बनवाकर ले सकते हैं। इस प्रकार के टिकट डाकघर अपने काउंटर पर नहीं भेजता, आप जितना ऑर्डर करेंगे उतने टिकट आपके सुपुर्द कर दिए जाएंगे। 3 दिन पहले 11 जनवरी को मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक ट्वीट किया विद अ शीट ऑफ स्टैम्प्स विद हिज फेस, और उस ट्वीट में लिखा कि मैं भारत सरकार और डाक विभाग का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्टैम्प पर मेरा चित्र प्रिंट किया, जबकि वह स्टैम्प की शीट उन्होंने माई स्टैम्प स्कीम में बनवाई थी। और उनके इस ट्वीट का रिप्लाई भारतीय डाक विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से यह कहकर दिया कि माई स्टैम्प स्कीम में स्टैम्प बनवाने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनके मोटिवेशनल लेक्चर्स शायद आपने देखे होंगे, उनको इस प्रकार का झूठा दावा करने से पहले यह सोच लेना चाहिए था कि बहुत जल्दी ही इस झूठ पर से पर्दा हट जाएगा। वैसे तो किसी भी प्रकार से बोले गए झूठ के बारे में एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। भारतीय डाक विभाग वॉज वेरी प्रॉम्प्ट टू टेल द रियलिटी ऑफ द स्टैम्प्स शोन बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा।